नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा जो थर्ड सेम एग्ज़ाम को लेकर जो नोटिस जारी किया गया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि वो नोटिस ओरिजिनल है या फेक नोटिस है, और इससे रिलेटेड हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं और उसमें हम बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी किए हुए थे और हम बताए थे कि मॉर्निंग में हम आपको 100% जो सही इसका न्यूज है वो डाल देंगे। तो इसके बारे में देखिए, हमको बहुत पहले ही जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन आप सभी को बताएं कि बिहार के कुछ जिलों में जो कि नेट को बंद कर दिया गया, उसी जिले में हम भी आते हैं, तो इस कारण से वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया डालने में। और इस वीडियो में देखिए, हम आपको 100% क्लियर बताने वाले हैं कि ये जो नोटिस है ये फेक है या सही नोटिस है। तो देखिए, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं तो AKU से बात करने के बाद ही बताते हैं, अदरवाइज हम कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सबके बीच शेयर नहीं करते हैं। तो देखिए, जैसे ही AKU के ऑफिशियल जो ग्रुप है उसमें भी हम जुड़े हुए थे और आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हुए भी थे कि AKU के द्वारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें नोटिस आया हुआ था। तो देखिए, उस नोटिस को डिलीट कर दिया गया और हम उसमें अगर बात किए बोले क्या सर ये ओरिजिनल नोटिस है या नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये बिल्कुल ओरिजिनल नोटिस नहीं है, ठीक है, और इसको कोई एडिट करके डाल दिया गया है। और AKU के जो डाटा ऑपरेटर होते हैं उनसे भी हम बात किए तो उनके द्वारा भी बताया गया कि हम ऐसा भी कुछ भी नोटिस जारी नहीं किए हुए हैं। तो इस कारण से आप लोग देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं दिया गया है, तो ये जो नोटिस अभी तत्काल के लिए फेक है। और उम्मीद है कि आपको, लेकिन एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द ही लेने वाला है, ठीक है, तो इस कारण से आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयारी करिए। तो इस वीडियो में बस हम आपको यही बताने वाले थे कि ये जो नोटिस है बिल्कुल फेक है और इसका नोटिस जो है वो 15-20 दिन के बाद आने वाला है, ये भी उनके द्वारा बोला गया था। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है उनको भी ये डाउट क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।